नमस्कार, मैं एस के सिन्हा। आज फोटो जियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग पे पांचवें वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। टुडे वी विल डिस्कस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वर्टिकल फीचर्स एंड मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग दिस रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, एज वेल एज वी विल डिस्कस स्टीरियोग्राफिक पैरेलेक्स and measurement of height of an object using this stereographic parallax. तो हम शुरू करते हैं। पहले what is relief displacement? तो relief displacement क्या है कि the photographic images of two points lying on the same vertical plane, such as top and bottom of a tower. Suppose this is a tower, so this is the top and this is the bottom of the tower. So these are in the same vertical plane. So if they are in the same vertical plane, then the images are displaced from the original position on the ground. And this is known as relief displacement. तो अब एक position ये हो सकता है कि just camera at the top of this tower हो. In that case, the top and bottom of the tower coincide. So there will be no any shift in the position. So relief displacement is there if the camera position is not at the top of the tower, somewhere else. So this is relief displacement. And ये इसलिए होता है कि एरियल फोटोग्राफ एक सेंट्रल प्रोजेक्शन, इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्शन एंड मैप इज अ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो सिंस इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्शन, एरियल फोटोग्राफ इज अ सेंट्रल प्रोजेक्शन, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ पैरेलेक्स इज ऑलवेज देयर। एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि जो टॉप है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो टॉप है और बॉटम है, तो टॉप जो है उसका जो इमेज है इट इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट विथ रेफरेंस टू द डेटम प्लेन। तो क्या होगा कि ये जो टॉप का जो इमेज है दैट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट एंड द लोअर पॉइंट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल पॉइंट विथ रेफरेंस टू द डेटम प्लेन। इसको हम यहां समझ सकते हैं इस फोटोग्राफ से, इस फिगर से समझ लें कि ये एक इस तरह का एक टोपोग्राफी है। यहाँ पर हाईलैंड है और यहाँ पर एक लोलैंड है, एक वैली है, यहाँ पर एक हिल है एंड दिस इज द डेटम प्लेन, एक्स वाई इज द डेटम प्लेन। अब इस डेटम प्लेन पर हम एक प्रोजेक्ट कर दें ए बी, सो ए इज द टॉप एंड बी इज द बॉटम। सिमिलरली ये जो वैली है इससे अगर हम लोग एक डेटम पर एक प्रोजेक्ट कर दें तो ये इसका टॉप है एंड दिस इज द बॉटम। एंड इफ दिस एरिया इज फोटोग्राफ्ड, यहाँ पर कैमरा है, दिस इज द पोजिशन ऑफ द कैमरा, तो हो क्या रहा है कि ए से एक प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग रे, दूसरा बी से उसी तरह से जो लोअर पॉइंट है इसका, इससे प्रोजेक्ट करेंगे एंड दिस इज द फोटो प्लेन, दिस इज फोटो, दिस इज फोटो, फोटो प्लेन। तो क्या हो रहा है फोटो प्लेन पे कि ए का जो इमेज है, ए का इमेज कहाँ है, ये ए डैश, और बी का जो इमेज है दिस इज बी डैश। सो ए हैज बीन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट, सो द इमेज ऑफ द हायर पॉइंट दैट इज ए, इट हैज बीन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, जबकि जो बी है लोअर पॉइंट है इसका इमेज किधर है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल पॉइंट। ये हो रहा है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये वैली का पोजीशन है और इसको हमने डेटम पर प्रोजेक्ट किया है। सो द इमेज ऑफ डी, डी इज द हायर पॉइंट, सी इज द लोअर पॉइंट। तो अगर डी का इमेज हम देखें तो डी इज समवेयर हियर, डी डैश, और ये सी है, सी डैश इज हियर, सो डी हैज बीन शिफ्टेड अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, सो दिस इज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। और मैंने डिस्कस किया कि इफ द फोटो इज जस्ट टेकन जस्ट एट द जेनिथ ऑफ दिस टावर, देन देयर विल बी नो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ दिस हायर पॉइंट। तो
इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फोटोजियोलॉजी में, किसी भी जो हाई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है उसके हाइट के मेजरमेंट में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखें, सपोज दिस इज अ टावर, दिस ब्लैक वन दिस इज अ टावर, और इसकी इसकी हाइट सपोज स्मॉल एच है। सो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर स्मॉल एच, एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ द कैमरा, कैमरा इज समवेयर हियर। तो ये टोटल यहां से यहां तक ये जो हाइट है दैट इज फ्लाइंग हाइट, फ्लाइंग हाइट इज कैपिटल एच। अब यहां पे क्या हो रहा है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेट अस डिस्कस। तो ये जो इसका टॉप है इसको मान लें हम, इसको हम लोग पी नाम दे दें, सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो पी का जो इमेज है, पी विल बी इमेज लाइक हियर समवेयर हियर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, दिस इज द प्रिंसिपल पॉइंट एंड दिस इज क्यू, सो दिस इज क्यू डैश। तो यहां पर भी उसी तरह से है कि ये जो हाई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है उसमें हाइयर पॉइंट इट हैज बीन शिफ्टेड ऑन द फोटोग्राफ अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट, वेयर एज लोअर पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल पॉइंट। अब इससे हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं रिलेशनशिप क्या होगा। पहले तो ये समझ लें हम लोग कि दिस इज द स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ दिस टावर, कैपिटल एच इज द फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट, और ये जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल पॉइंट से ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसको कहते हैं हम लोग आर, दैट इज आर इज आर इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी दिस इज डी, दिस इज डी, ये डी है, दिस वन इज डी, पी डैश क्यू डैश डिस्टेंस, पी डैश क्यू डैश दिस इज डी, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई डेल्टा आर एंड दिस इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो ग्राउंड इक्विवेलेंट है इसका ये है, दिस इज डी कैपिटल डी, सो कैपिटल डी ऑन द ग्राउंड इज द फोटो ग्राउंड इक्विवेलेंट ऑफ दिस डी स्मॉल डी। और यहां से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां से प्रिंसिपल पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर, सो दिस इज द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट। तो प्रिंसिपल पॉइंट से जो टॉप है टावर का उसके इमेज का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड आर, और आर यहां पर ग्राउंड इक्विवेलेंट ये है कैपिटल आर। तो जो रेडियल डिस्प्लेसमेंट है टॉप ऑफ द टावर का फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट दैट इज कॉल्ड रिलीफ, दैट इज कॉल्ड रेडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द हायर पॉइंट, सो दिस इज आर, एंड वी कैन राइट दिस रिलेशनशिप। ये दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ये है दूसरा ट्राइंगल ये है, तो ये इसका हाइट हम लोग ले लें अगर इस टावर का हाइट स्मॉल एच एंड दिस हाइट ऑफ दिस बिगर बिगर ट्राइंगल दिस इज स्मॉलर ट्राइंगल, सो हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज स्मॉल एच एंड हाइट ऑफ दिस बिगर ट्राइंगल इज कैपिटल एच, सो वी कैन राइट स्मॉल एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच इज इक्वल टू डी बाई आर, यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो है और ये डिस्टेंस है रेडियल डिस्टेंस टॉप ऑफ द इमेज का, तो डी बाई आर, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं डी इज इक्वल टू एच आर बाई एच और एच इज इक्वल टू एच डी डिवाइडेड बाई आर। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर दैट इज एच। नाउ देयर आर सर्टेन जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन क्या हो सकता है कि जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ता चला जाता है रेडियली विद द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ आर, आर जितना बढ़ेगा आर जितना अधिक होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट भी उतना अधिक होगा। और शुरू में ही मैंने बताया कि अगर ठीक यहां से इमेज लिया जाए कैमरा पोजीशन ठीक इसके जेनिथ पर हो देन देर विल बी नो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स
relief displacement will be zero. So zero at the nadir point, relief displacement will be zero at the nadir point and maximum at the edges of the photograph. So this is first generalization. Second may be, more is the height of the object, more is the relief displacement. ये h जैसे जैसे बढ़ेगा relief displacement भी बढ़ेगा और vice versa होगा, कम होगा तो natural है कि जो relief displacement है that will be small. इसके बाद तीसरा generalization हम लोग कर सकते हैं कि with increasing flying heights the relief displacement decreases. तो flying height जैसे जैसे h जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो relief displacement है वो कम होगा. So this is relief displacement and use of relief displacement in the measurement of height of an object. Now come to stereoscopic parallax. So stereoscopic parallax क्या है इसको समझना है और फिर कैसे हम लोग height measure कर सकते हैं using stereoscopic parallax. तो पहले parallax है क्या. So parallax may be defined as the apparent change in the position of an object caused by a change in the position of the observer. तो अगर मान लीजिए कि किसी भी चीज का अगर इमेज यहां से लिया जाए और फिर पोजीशन चेंज करके यहां से लिया जाए तो जो इमेज है किसी भी पॉइंट का इट विल शिफ्ट और इसी को कहते हैं हम लोग parallax. And in the terms of photogeology, it is called stereoscopic parallax. The stereoscopic parallax इसलिए होता है because of the change in the viewing position. दो अलग अलग position में हम लोग view कर रहे हैं तो aerial photograph में होता है, photography में होता क्या है कि series of photographs are taken. जैसे एक photo यहाँ से लिया गया, दूसरा photo यहाँ से लिया गया same object का, तो दो जो कॉन्सिक्यूटिव फोटो है उसमें जो पोजीशन किसी भी एक पॉइंट का है दैट विल शिफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड पैरेलेक्स. सो स्टीरियोस्कोपिक पैरेलेक्स मे बी डिफाइंड एज द इट इज द अलजेब्रिक डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू इमेजेस फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल पॉइंट पैरेलल टू द एयर बेस दैट इज फ्लाइट लाइन. तो फ्लाइट लाइन के डायरेक्शन में हम लोग मेजर करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एक्स पैरेलेक्स. तो एक्स पैरेलेक्स फ्लाइट के डायरेक्शन में होगा. दूसरी चीज ये है इसमें कि इसमें जो दो फोटो है तो उसका एक प्रिंसिपल पॉइंट होगा और दूसरा कॉन्जुगेट प्रिंसिपल पॉइंट होगा. इसको अगर हम लोग मिला दें तो दैट विल बी एक्स पैरेलेक्स. सो एक्स पैरेलेक्स विल बी फॉर्म if we join the principal point and conjugate principal point of the other photo by a straight line. So then it will be x parallax. Or parallax difference kya hai? Ki parallax difference is the difference in the absolute parallax of two points imaged on the photo pair. Ab isko hum log thoda dekhen is diagram ko. तो यहाँ पर दो पोजीशन है कैमरा का. एक कैमरे का पोजीशन है कैमरा पोजीशन वन एंड दिस इज कैमरा पोजीशन टू. एम यहाँ है, एन यहाँ है, यहाँ पर एक टावर है एक्स वाई. एक्स इज द बेस ऑफ दिस टावर एंड वाई इज द टॉप ऑफ द टावर. एक्स बेस, वाई इज द टॉप. अब यहाँ अगर सपोज यहाँ पर अगर कैमरा है, अगर इस टावर का अगर इमेज लेंगे तो व्हाट विल हैपन, यहाँ से एक जो पर्सपेक्टिव लाइन है, पर्सपेक्टिव रे है, ये कैमरे से यहाँ तक आ रहा है, फिर अगेन ये इसके बेस में जा रहा है और यहाँ पर दिस इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डीपी वन. तो दिस इज फोटो वन and this is photo 2. So dp1 is the relief displacement on photo 1, relief displacement of higher point, that is y. y ka jo high relief displacement dp1 ho raha hai is par photo 1 pe. Similarly photo 2 par this is the relief displacement, that is dp2. aur iska jo hai ground equivalent dekhe hum log, dp1 ka ground equivalent ye hai this one
और ये इसका जो है ग्राउंड इक्विवेलेंट ये है. सो दिस इज डी पी वन, दिस इज डी पी टू, ग्राउंड इक्विवेलेंट. और इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो पूरा अगर जोड़ दें तो दिस इज डी पी. सो डी पी वन इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप ऑफ द टावर ऑन फोटो वन. डी पी टू इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ टॉप ऑफ द टावर ऑन फोटो टू. एंड डी पी इज द पैरेलेक्स डिफरेंस ऑफ टॉप ऑफ द टावर. इसके बाद बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो हाइट है टावर का उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज द हाइट ऑफ द टावर इज स्मॉल एच एंड द फ्लाइंग हाइट इज एच. दिस इज द फ्लाइंग हाइट बिकॉज कैमरा इज हियर, कैमरा इज हियर. सो दिस इज द फ्लाइट डायरेक्शन, फ्लाइट लाइन. सो दिस इज फ्लाइट लाइन. फ्लाइट लाइन. सो फ्लाइंग हाइट इज कैपिटल एच, हाइट ऑफ द टावर इज स्मॉल एच. नाउ देर आर टू ट्राइंगल्स, वन इज एम डैश वाई एन डैश, दिस इज स्मॉल ट्राइंगल एम डैश वाई एन डैश. और दूसरा जो ट्राइंगल है एम एन वाई, दिस ट्राइंगल एम एन, दिस इज एम एन एंड दिस इज वाई. तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल्स एम वाई एन एंड एम डैश वाई एन डैश, एम डैश वाई एन डैश. सो दीज आर सिमिलर ट्राइंगल्स, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सिमिलर ट्राइंगल्स. एंड बाई सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स दिस रिलेशनशिप कैन बी देयर, एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एच माइनस एच मीन्स दिस इज द हाइट ऑफ द टावर. And h minus h is the height of this one, height of this triangle. This is height of this smaller triangle. H is the height of smaller triangle, or capital H minus h is the height of bigger triangle. Then it is equal to dp by p, dp by p. So this is dp, this is dp, smaller triangle ka ye base hua, and p is the this one base of this bigger triangle. So this relationship can be established, small h divided by capital H minus h is equal to dp by p. Ab isko hum log solve karenge, then h is equal to capital H minus h multiplied by dp divided by p. So in that way we can calculate the height of any object. So this is the today's lecture. Thank you very much.